Congratulations. लेफ्टिनेंट, जल्द से जल्द हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट कीजिए। से बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करना था। कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लकी है तो। कैसे बात कर रहे हो आप, ऐसा तो चेहरे नहीं हो। लकी है अबॉर्शन करा दूंगा, लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। I'm so sorry डॉक्टर, मैं नवीद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल आया करेगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है, उसका रेप हुआ है। सॉरी मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर है, पढ़ी लिखी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल घूम गया था इसकी चीख से।